हम रोज 10 बजे निकलते हैं, जहाँ हमारा क्लस्टर 9 का सर्कल होता है। हमारी पूरी टीम जाती है यूनिफॉर्म के साथ। तो कॉल आती है हमारे पास कि लोग यहाँ सोते हैं, हम वहाँ पे जाके उनको कैरी करते हैं, उन्हें लेके आते हैं, अपने सेंटर में सुलाते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, उनको प्रॉपर हम अपने कंबल देते हैं, गद्दे देते हैं, जो आराम से वो सो सकें। एक बच्ची इधर सो रही थी, वो छत इधर आके गिरा तो लड़के के पैर में लग गया। हाथ अस्पताल में लेके गया तो बोले लगा नहीं, हम दवाई पानी करवा देंगे। ना लेते हैं, बेचते हैं। थोड़ा वहाँ से थोड़ा तार ले लेते तो बारिश आती है तो पानी आता है ना, तो थोड़ा करंट फेंकने लग जाता है, इसके मारे तार नहीं लगा पा रहे। ना ही यहाँ पर कोई बेसिक चीज़ें जो है, टॉयलेट का बड़ा समस्या है और पीने का पानी का, तो ये लोग खुले में सोच में जा रहे हैं। और साथ में ही जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन वगैरह नहीं हुआ। लॉकडाउन से पानी नहीं है, मोटर नहीं लगी है। हम संस्था वाले से पूछते भैया मोटर लगा दो, जब भी तो बाथरूम जब भी धुलाई होगी, जब भी सफाई होगी, जब बाथरूम है ही नहीं, बाथरूम में पानी आ ही नहीं रहा है तो कैसे सफाई होगा। Hola.